हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूँ। और हल्दी वल्दी लग चुका है मेरे को, और हमको इसी तरह रहना है भाई, ठंड में, संडो गंजी में। और अभी सब सो रहा है, दीपक इधर, मामा चमनिया मुस्कान उधर, प्रेम और गौतम सब अभी सो रहा है। और अभी सुबह के 7 बज रहा है। अभी हमारे घर पे बहुत सारे काम है, तो जो जो काम होगा आपको इस ब्लॉग में पता चल जाए, क्योंकि मुझे नॉलेज उतना है नहीं कि अभी क्या होगा, कौन सा रस्म अभी होगा। तो जो जो रस्म होगा मैं आप लोग को बताऊंगा, मैं नहीं तो फिर जिसके हाथ में फोन होगा वो ब्लॉगिंग करेगा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो चैनल को शेयर और लाइक जरूर करना गाइस। और हो सकता है तो आज हमारे यहाँ मड़वा मटकोर और सेजल पूजा लोग भी आ रही है आज, तभी ट्रेन में होगी आई थिंक, 8-9 बजे तक वो आएगी। फिलहाल अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं अभी सब लोग कर क्या रहे हैं। और हम लोग तो अभी छत पे सोए हुए थे, गद्दा भी छा लिया अपना और छत पे सोए हुए हैं। चलते हैं अब डायरेक्ट नीचे। सो गाइस, यहाँ पे प्रिंस कर रहा है प्रैक्टिस अपने डांस का, क्योंकि आज हल्दी है। ये ब्रश नाटिया, ये तो गाइस यहाँ डिस्कशन चल रहा है कि हल्दी में आज कौन क्या करेगा क्या नहीं। ये देख सकते हैं आगे का प्रोग्राम का यहाँ पे चल रहा है डिस्कशन। इधर लाली काली, हम लोग रूम हीटर चालू करके हम बैठे हुए, क्योंकि हम ऐसे दुल्हन गाइस होने वाली दुल्हन अभी हुई नहीं है, अब एक हल्दी लगेगा। सो गाइस फाइनली इधर खाने का काम चालू हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। इधर खाना बनने के लिए मिस्त्री जी अपना पूरी छानने का व्यवस्था कर चुके हैं। गाइस हल्दी लग चुका है, और अभी हो गया है मॉर्निंग टाइम, मतलब मॉर्निंग तो था ही, लेकिन अब हो गया है खाने का टाइम, जो नाश्ता है। तो अभी सबका यहाँ पे बड़ा बड़ा बिछा दिए हैं, आकर के सब बैठेंगे, और यहाँ पे नाश्ते का जुगाड़ चल गया है। नाश्ता बन गया है क्योंकि हलवाई आया हुआ है, तो नाश्ता उसका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं, नाश्ता सबको करवाना है, तो सबको बोलते हैं खाने के लिए। अरे भैया लोग भी आ गए हैं टेंट बनाने, और छत का देख रहे हैं, टेंट का गाड़ी बो रहा है पूरा बम्बू। तो गाइस बम्बू को फर्स्ट फ्लोर तक लाने के लिए इस तरह का व्यवस्था किया जा रहा है, 2-3 आदमी मिल करके देख सकते करकट पर चढ़ करके बम्बू छत पे ला रहे हैं। ओम हरि ओम नमायामि हरि ओम अद्यः विष्णु। पूजा वूजा हो गया है खत्म, और अब चलते हैं पंडाल का, देखते हैं क्या हाल है। तो चलो चलते हैं पंडाल पे, पंडाल छत पे कैसा बन रहा है, मतलब अभी क्या प्रोसेस चल रहा है। तो सामने पंडाल बन तो रहा है भाई, अरे साला इतना काम हो गया। तो प्रिंस दो और बॉक्स ले आया, दो बॉक्स पहले से हम लोग लेकर के आए थे। इधर बच्चा पार्टी लोग वेट कर रहा है, वेट कर रहा है कब डीजे सेट होगा। ओहो डांसर लोग, तो इधर तो पूरा भाई पूरा छत तो बस से ही भर गया है इधर वाला। गाइस पूजा करते करते पूजा आ गई, भाई जुगाड़ करने में लगा हुआ है, हैंड वॉश लेते हैं। और सेजली कहाँ है, माय गॉड कैसा दिख रही है एकदम। सो गाइस आज है हम लोग के यहाँ हल्दी, पूरा ड्रेस कोड है आज पीला पहनने का, तो आज सब लोग पीला पीला पहनेंगे। पीला कपड़ा लाइए तुम, ये तो पीला अभी पहन लिया है। सो गाइस आंटी यहाँ पे ठेकुआ मतलब प्रसादी बनाने का स्टार्टिंग कर चुकी है। छोटी मौसी ये तो खेटुआ है, क्या खेटू गाइस सब लोग रेडी हो गया। वाह जैसे हमें पता ही नहीं था, वाह गाइस मड़वा के लिए सब लोग हो गए रेडी, और हल्दी फंक्शन के लिए भी इधर ही दोनों रेडी हो गए, लेकिन हम अभी तक रेडी हुए नहीं है। और मामा भी अभी तक रेडी नहीं हुआ, बाकी सब लोग रेडी हो गए। अब चलते हैं मड़वा की ओर, पूरा टेंट हो गया है रेडी, और इधर अपना रील्स बनवा रही है सेजल, और अभी कैमरा वाले भी भैया आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं, अभी देखते हैं वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। और इधर कुछ ऐसा लोकेशन है,
सब पीला पीला येलो येलो ड्रेस सब पहन लिया भाई, येलो ड्रेस के साथ येलो टेंट। इधर कैमरे वाले भैया। सो गाइस फाइनली माली जी भी आ गए हैं, अब ये डेकोरेशन करेंगे हल्दी का स्टेज। डालना देते तो कम से कम गांजियो तो खराब हो गया। ऊपरे वाला सो गाइस मड़वा मटकोर का काम हो गया खत्म, सॉरी मड़वा का काम हो गया खत्म, अब मटकोर के लिए सब निकल रहे हैं। मौसा तो पूरा रेडी वाला है, पूरा हल्दी का तैयारी चल रहा है। इधर सब येलो येलो पहना भाई, पता हम ही नहीं पहने। हेलो गाइस, अब जाएगा प्रिंस, तो अब जाएगा प्रिंस। कंटिन्यू ब्लॉग आप लोग को आगे यही दिखाएगा क्योंकि हमको जाना है नहीं मटकोर में, तो प्रिंस आप लोग को दिखाएगा, मतलब सब कुछ दिखाएंगे, सारा टेलीकास्ट करेंगे ऐसा। चलो तो प्रिंस के साथ आप लोग एंजॉय कीजिए। खत्म हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं घर, तो अब जाएंगे घर में, उसके बाद होगा थोड़ा सा पूजा पाठ, उसके बाद होगा हल्दी का फंक्शन और उसके बाद होगा डांस। तो गाइस मटकोर हो गया, अब जा रहे हैं शिव मंदिर, मेरा कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा है और बाहर पूरा पहुंच गए शिव मंदिर। और हम लोग कार से आए थे क्योंकि हम लोग पैदल चलना है नहीं, और सामने हमारा शिव मंदिर है, यहाँ पे कुछ पूजा होता है और मौसा इधर हमारे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थोड़ा आराम से करो, आराम। हाँ हाँ हाँ, अभी ध्यान से खड़ा रहो। तो गाइस मंदिर में पूजा हो गया, अब चल रहे हैं घर, और सब लोग मतलब पैदल आए थे जो वो पैदल चले गए, और हम लोग जो जो गाड़ी से आए थे, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं और घर में हल्दी का फंक्शन है, तो अब हल्दी अटेंड करते हैं सब लोग और एंजॉय खूब करते हैं। गाइस अभी डांस बाकी है, मेन तो डांसर है भाई, अभी डांस पूरा बाकी है। सो गाइस फाइनली हल्दी का डेकोरेशन कुछ इस तरह का, और यहाँ पे मौसी लोग मस्त एकदम डांस कर रही है, काफी मस्त एंजॉय यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं। गाइस हम लोग हल्दी के लिए हो गए रेडी, इधर दुल्हन है मतलब मेरी बहन, और इधर हम, बाकी लोग इधर होला करिए भाई, गजब। ब्लॉग को खराब नहीं करना था वरना मैं कुछ बोल देता। तो अभी जा कैमरा वाले को बुला रहे हैं, और अभी हमारा थोड़ा सा यहाँ पे एक क्लोजअप सिनेमैटिक शॉट होगा, फिर डायरेक्ट हम लोग ऊपर चलेंगे। तो गाइस आज सारा कर्मठ कंप्लीट हो गया, आज हमारे यहाँ पे हुआ मड़वा मटकोर हल्दी सब कुछ, आज फंक्शन खत्म हो गया, काफी मजा आया, सबको मजा आया, यस यस सबको मजा आया गाइस। तो इसका पार्ट टू आने वाला है मेहंदी रसम का, जो कि कल है मतलब 28 तारीख को, 28 फरवरी को हमारे यहाँ मतलब मेहंदी का प्रोग्राम है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस। बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।